हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का आपको व्यू दिखा रही हूँ। मैं रास्ते में हूँ और मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मायके का फर्स्ट ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, और ये शंकर जी का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, घर आ ही गया है मेरा। तो ये देखिए, ये आप डबल स्टोरी जो मकान देख रहे हैं वो मेरा ही घर है। तो इतनी दूरी पर मेरा मायका है। तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि आपने पहले जो क्लिप देखी है वो मेरे मायके जाने की रास्ते की क्लिप है, और उससे पहले वाली क्लिप है ये, जब मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे मायके का जो है 2 मिनट की रास्ता है, तो वो ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग पहुँच चुके थे। तो ये जो मैंने पहले शूट किया था, तो मैंने आप लोगों से मैंने लगा दिया है कि मैं यहाँ पे बता रही थी, और मेरा यहाँ पे बताने ये वॉइस जो ठीक ठाक नहीं आई थी, तो मैंने फिर वॉइस ओवर कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही थी और नया दूसरा वाला फ़ोन से मैं कर रही थी रिकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बहुत भयानक मेकअप किया हुआ है, जबकि मैं इतना मेकअप कभी करती ही नहीं हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आती है उस वाले फ़ोन में जो जिसमें मैं कर रही थी वॉइस ओवर। तो ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं, और पहुंचने के बाद हम ये देखिए दिखा रहे हैं आपको। तो ये दो जो दुकानें बनी हुई हैं बाहर, तो ये छोटा भाई है, इसकी टायर की दुकान है साइड में, और यहाँ पे ये बड़े भाई की दुकान है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने कुछ नहीं रखी है, तो पापा के मित्र और पापा यहाँ बैठते हैं पूरा दिन। तो इन दोनों लोगों सभी का टाइम पास हो जाता है, पापा का हो जाता है, पापा के मित्रों का हो जाता है, क्योंकि सब बुज़ुर्ग बैठते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ से फिर मैं चली गई थी, सीधा दूसरा दरवाज़ा है इस साइड को खुलता है, तो यहाँ पे राखी बिक रही थी, तो मैं राखी देखने के लिए चली गई थी। और यहीं पे इसी साइड को आगे चले जाओ, सो 2 मकान और हैं, तो दोनों मतलब भाइयों के हैं, तो दोनों भाई यहाँ अंदर साइड रहते हैं, और ये पापा अम्मा यहाँ रहते हैं। तो इस राखी वाले को देखिए मैंने बुलाया है, तो अब ये आ जाएगा और इसकी राखी हम देखेंगे। तो राखी तो अच्छी लिए था, लेकिन मुझे क्या है, इसका रेट थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी बता रहा था, तो फिर पटी नहीं, तो हम लोगों ने नहीं ली। और बस इसके बाद हम लोग फिर अंदर आ गए थे, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, और मार्केट जाने के लिए ही मैं अम्मा के आ गई थी। मैंने सोचा चलिए मैं वहाँ पर इन बच्चों को छोड़ दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मुझे राखी लेना था। और राखी ये आ गई थी, तो पहले थोड़ी देर मैंने राखी देखी, फिर इसके बाद फिर लेट हो गए, तो फिर नहीं जा पाए। और ये देखिए, मुझे ये वाली राखियाँ बांधने में नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन ये लटकी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे फूलों का बंच हो, और बहुत सुंदर लगती हैं ये। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो बना लिया। और ये जो राखी वाला भैया था ना, तो ये थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि बोलने में थोड़ा सा उनका अच्छा नहीं होता है, इसलिए नहीं तो वैसे भी ले तो लेते ही, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने फिर छोड़ दिया था। क्योंकि फ्री में तो कहीं नहीं मिलेंगी, पैसे तो हर जगह लगेंगे। लेकिन ये देखिए, फिर इसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे। अंदर आ गए तो ये ऊपर डबल स्टोरी मकान है, तो ऊपर आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल ताला लगा है, तो वो अभी है नहीं किराएदार। और ये सामने मेन गेट है, और ये किचन है अम्मा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मा का सारा सामान भरा है, और काफ़ी बड़ी किचन है। एक रूम जितनी किचन है इनकी अम्मा की, जितना बड़ा एक रूम होता है उतनी बड़ी किचन है। और पापा लोगों का बनवाना है, वो अपने हिसाब से बनवाते हैं। और ये देखिए, ये पता नहीं दूध ढका हुआ रखा है, और ये देखिए, तो यहाँ से एक थोड़ा सा रोशनदान जंगला टाइप का है, जिससे बाहर गैस का वो निकलता रहे और गर्मी भी ना लगे। और हमारी अम्मा क्या है, खड़े होकर नहीं बना पाती हैं, तो उतने उनके रैक के लेवल का एक स्टूल बनवा के रखा हुआ है, तो स्टूल पे बैठ के ही रोटी बना लेती हैं वो अपने। और ज़्यादातर तो ये लोग आ जाती हैं, भाभी लोग, तो ये देखिए ये बैठी हैं, तो ये करवा देती हैं जो भी उनका काम होता है, झाड़ू पोछा जो भी उनका होता है। तो क्योंकि यहाँ आपको मैंने अभी जो गेट दिखाया ना, तो वहाँ पर ही इनका घर है, तो दूर नहीं है, जैसे ये फुर्सत होती हैं तो यहाँ आ जाती हैं, तो इनका अम्मा का देख लेती हैं। अम्मा की मजबूरी है, इनके किराएदार जो हैं अकेली लड़कियां रहती हैं, तो इनको रहना पड़ता है उनके साथ। तो अम्मा दिखा रही थी राखी की, ये देखिए इन्होंने पहले ही ले ली थी। और ये लोग हैं ना, बड़े बुजुर्ग अम्मा हैं जैसे हमारी, ये लोग बहुत अच्छे से मोल भाव कर लेती हैं, तो ये दिखा रही थी। और ये इन्होंने 30 रुपये की ली थी, और यही राखी वो लड़का 60 रुपये की बता रहा था, तो वही अम्मा बता रही थी कि देखो तुम लोगों को कैसे, और तुम ले भी ले रही थी और हम अम्मा ने ली थी 30 रुपये की। तो ये देखिए, यहाँ से भी एक इस रूम में है बड़ा सा जंगला, तो यहाँ पे ये छोटा भाई आगे लेट गया था, क्योंकि यहाँ पे अभी जब हम लोग आ जाते हैं ना, तो ये अपनी दुकान छोड़ के यहीं आके बैठ जाता है। और ये देखिए, ये है सिकौली की भाजी, मतलब सिकौली बोलते हैं हमारे यहाँ। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, मैं नहीं बता सकती,
लेकिन ये इसको भाई को मार्केट में दिख गई होगी, पापा को है बहुत पसंद, तो पापा ने पापा के लिए ले आया था ये, तो मुझे भी, मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये सकौले की भाजी है और ये चने के साग जैसी बनती है, जैसे चने और सरसों का साग बनता है ना, तो वैसे ही बनाई जाती है, इसमें दाल डाल के, और वैसे ही बनती है बिल्कुल सेम, और टेस्ट भी वैसे ही होता है लगभग। तो ये लेकिन बहुत ही मुश्किल से मिलती है, बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए उसको भाई को दिख गई होगी तो वो ले आया कि पापा को पसंद है। तो इस तरीके से मैं दिखा रही थी आपको कि हमारे बुंदेलखंड में एक ये भाजी होती है, और इसको ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है, बरसात में के मौसम में ही मिलती है, और ये मतलब पाचन शक्ति बढ़ाती है, और ये पता नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और पापा हमारे इन चीज़ों को ज़्यादा, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये इसलिए सर मुंह ढके बैठी थी क्योंकि सामने पापा बैठे थे, और पापा के वो मित्रगण हैं जो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हमारे मोहल्ले के होते हैं, वो सब यहीं बैठते हैं पापा के पास आके, और पापा को थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो उनका ये होता है कि यहीं पर सब लोग आ जाओ तो यहीं उनका टाइम पास हो जाएगा, तो पापा अपना आराम से उन लोगों का गुटखा पानी चाय का सबकी व्यवस्था करते रहते हैं, तो वो अपना आराम से सारे बुज़ुर्ग जो हैं बैठे रहते हैं, वैसे भी उन लोगों को कोई काम नहीं होता है, बेचारे अपना टाइम पास करते रहते हैं, तो यहाँ पे उनका अच्छा टाइम पास होता है, तो सब इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, तो बस इसीलिए वो चेहरा ढके हुए बैठी थी क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा होता है। और ये देखिए, ये संयोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिया आएगी तो समोसे ले आएगी, क्योंकि वो मार्केट गई थी तो वो आ चुकी है और ये लाई थी समोसे। और जिया मतलब ये लोग जिया कहते हैं, वो मेरी भतीजी है, बड़े भाई की लड़की है। तो ये देखिए, और ये भतीजा है जो अभी भाई एक लेटा था, उसका बेटा है ये, और ये उसी की मम्मी है, सर ढके जो बैठी है। तो ये देखिए, ये तीनों खा रहे हैं समोसे, और हम लोग खाते नहीं हैं, तो हम लोगों ने नहीं खाए थे। और ये बच्चे लाए भी इतने ही थे, इन्हीं बच्चों के लिए लाई थी वो, क्योंकि उसने भी नहीं खाए थे, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको जुकाम था, तो उसने नहीं खाए थे, इन तीनों ने खाए थे। और बस ये संयोग का, तो बस वो तब से ही इंतज़ार कर रहा था, जैसे उसको पता चला था जिया गई है मार्केट, तो वो इंतज़ार कर रहा था, उसको बड़ी मुश्किल से टाइम पास हुआ कि जिया आ जाए, कुछ लाए, जिया आ जाए कुछ लाए। और ये देखिए, ये जिया लाई थी राखी, तो ये शरद अपनी पसंद की लेके आया था क्योंकि इसको वही बनवानी थी। और तो बस इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे इंजॉय किया, और हम लोग देखिए थोड़ी देर, ये बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कि बढ़िया आराम से खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, खेलेंगे कूदेंगे, एक दो घंटे बैठेंगे और शाम हो जाएगी तो अपने घर आ जाएंगे। घर आके भी हम लोगों को अपना फिर पूजा वगैरह करनी होती है शाम की, और फिर बाय बाय फ्रेंड्स।